हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है जैव विविधता। ये रीड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैव विविधता कहते किसे हैं? हमारे चारों ओर जीवों की जो असीमित विविधता होती है, यानी जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। रॉबर्ट व्हिटेकर एंड कोल वोस ने जीवों को विभाजित करने का प्रयास किया। व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी, यानी जीवों को विभाजित करने के लिए व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी, यानी फर्स्ट है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर उन्होंने प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा, यानी बैक्टीरिया को रखा। प्रोटिस्टा में उन्होंने एककोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा। और जो फंजाई में उन्होंने कवकों को और जिनकी शैवाल जो काइटिन की बनी होती हैं उन जीवों को रखा। और प्लांटी के अंदर पादपों को और एनिमेलिया के अंदर जंतुओं को रखा। इस प्रकार उन्होंने 5 जगत प्रणाली को अलग अलग भागों में विभाजित किया। फर्स्ट है इसमें मोनेरा। मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इनमें संगठित केंद्रक, झिल्ली केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते। यह स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। स्वयंपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इनमें जनन जो होता है वो संयुग्मन द्वारा होता है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा है। साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती है। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है और यह ओटू के बिना भी जीवित रह सकती है। यह माइकोप्लाज्मा का जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती, सबसे छोटी जीवित कोशिका है और ओटू के बिना भी जीवित रह सकती है। प्रोटिस्टा, यह एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। इनमें जो गमन के लिए सीलिया और फ्लैजिला नामक संरचना पाई जाती है। इसमें अलैंगिक जनन कोशिकीय संलयन एवं लैंगिक जनन युग्मनज विधि द्वारा होता है। इसमें जो शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोवा, युगलीना और अमीबा आते हैं। युगलीना जो होता है उसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसमें एक फ्लैजिला जो होता है वो छोटा होता है और एक फ्लैजिला लंबा होता है। युगलीना पादप और जंतु के बीच की एक योजक कड़ी है, यानी इसमें कुछ गुण पादप कोशिका के होते हैं, कुछ गुण जो होते हैं वो जंतु कोशिका के। अब है फंजाई। फंजाई जो है वो विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। इसे मृत जीवी भी कहते हैं क्योंकि ये मरे हुए जीवों पर भी निर्भर रहता है, उन्हें अपना भोजन बनाता है। कुछ फंजाई सजीव पौधों और जंतुओं पर के पोषण पर भी निर्भर रहता है, इसलिए उन्हें परजीवी कहते हैं। फंजाई में एक पतली लंबी धागे की तरह संरचना पाई जाती है जिसे माइसीलियम कहते हैं। इसकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। इसका जनन जो है वो कायिक जनन विखंडन के द्वारा और मुकुलन विधि द्वारा होता है। यानी इसमें एक जीव में अगर कट लगा दिया जाए तो एक जीव का एक पार्ट जो होता है वो नया जीव बना लेता है, इसलिए इसमें कायिक जनन विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा होता है। इसमें यीस्ट, मशरूम और इसमें न्यूरोस्पोरो भी आता है, म्यूकर और राइजोपस आता है। इसमें म्यूकर और राइजोपस है वो रोटी के कवक हैं, यानी रोटी पे जो फफूंद सी आ जाती है हरी हरी, वो क्या है, म्यूकस और राइजोपस, ये रोटी के कवक हैं। और न्यूरोस्पोरा जो है वो पादप जगत का, जिसे ड्रोसोफिला कहते हैं, यानी ये अनुवांशिकी में भी उपयोग लिया जाता है। ये जो डायग्राम है ये शैवाल नोस्टोक का है, यानी जो नोस्टोक और एनाबिना होता है जो कि मोनेरा जगत के अंदर पाए जाते हैं, उसका ये डायग्राम है। इसमें एक संरचना पाई जाती है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या होती है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। यानी नोस्टोक और एनाबिना में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोस्टोक और एनाबिना के अंदर क्या है, एक संरचना पाई जाती है हेटेरोसिस्ट, यानी इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है और ये मोनेरा जगत का है। फिर है प्लांटी। इसमें कोशिकीय भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यानी प्लांटी में कौन होते हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। ये स्वयंपोषी होते हैं। अजब पादप को जो है वो जल व संवहन, उत्तक और बीज धारण की क्षमता के आधार पर बांटा गया है। इसमें फर्स्ट है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहाँ प्लांटी को 5 भाग में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
तो इसमें हम देखेंगे पादप जीवन चक्र, इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है द्विगुणित बीजाणु उद्भिद यानी डिप्लोइड स्पोरोफिटिक अवस्था, और एगुणित युग्मोद्भिद यानी हैप्लोइड गैमेटोफिटिक अवस्था। यानी जो प्लांटी होती है उसके पादप जीवन चक्र में दो अवस्था पाई जाती है, डिप्लोइड स्पोरोफिटिक और हैप्लोइड गैमेटोफिटिक। इसमें क्या होता है कि पीढ़ी एकांतरण होता है, तो यानी इसमें बीजाणु स्पोरोफिटिक जो होता है वो अवस्था कैसे बनती है, तो इसमें क्या होता है पीढ़ी एकांतरण होता है यानी संतति एकांतरण। तो इसमें जो युग्मनज होता है वो मियोसिस के द्वारा अगुणित बीजाणु यानी स्पोर बनाता है, स्पोर अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनाता है यानी स्पोरोफिटिक बनाता है। युग्मोद्भिद के अंदर नर और मादा दो अंग होते हैं, नर और मादा दो अंग युग्मोद्भिद में होते हैं। नर और मादा के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है और द्विगुणित युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है, यह इसकी अवस्था विकसित हो जाती है। ये इसका क्या है पीढ़ी एकांतरण है। इस प्रकार हमारा बीजाणु उद्भिद विकसित हो गया और आगे इसकी प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, इसमें दो अवस्थाएँ बन जाती हैं। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक है वो पूरा हो गया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।